वाटरमेलन, एप्पल बनाना और वाटरमेलन। आप सब ये देख लीजिए, ये डब्बे है वीवीपीएटी, ये कंट्रोल पैनल है और ईवीएम है और वीवीपीएटी। वीवीपीएटी का काम क्या होता है, जो बटन दबाते हो यहाँ छपके पर्ची दिखती है। ये डार्क कलर का ग्लास है, सबसे जो बड़ी मायाजाल है ये काले कांच के पीछे होती है। पहले ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास वीवीपीएटी में स्टार्टिंग में था, बाद में M3 मॉडल आया तो M3 मॉडल में ये लोगों ने अपारदर्शी काला कांच मिरर ग्लास लगा दिया है। जून 2017 में हमें पता चला, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है राहुल भाई मेहता, उसने सोचा कि ये लगाने की पीछे की वो क्या है। और गुजरात से हम है तो गुजरात में मालूम है चुनाव कैसे हुए पिछले 10 साल में, कैसे जीते जाते हैं। तो हम लोगों ने ये टोटली सॉफ्टवेयर डेवलप करके ये बताने की कोशिश की है और देश को जागरूक करने की कोशिश की, ऐसा भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोलते चुनाव पंच का मशीन है या चुनाव पंच का सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर में सब कुछ हो सकता है। आप देख लीजिए, आप सबसे पहले मैं एप्पल का बटन दबाता हूँ। इन्हीं से दबाओ, इन्हीं से दबाओ, आप में से कोई दबाए, ए आप दबाइए, ये तीन कोई भी दबाना, जो भी दबाना। हाँ, कौन सा दबाया, और यहाँ देख लीजिए कौन सा पर्ची आया, कौन सा आया पर्ची, बनाना है ना, बनाना दबाया और लिखना भी आपको जरा। अभी आप दबा दीजिए, आप बोलिए कौन सा बटन दबाओ, आप बोलो एकदम धीरे से दबाना, आप बोलिए। एप्पल, एप्पल का बटन दबाया मैंने, बटन सर। हाँ, कौन सा पर्ची आया, नहीं नहीं मैं आपको बता कौन सा पर्ची आया, एप्पल का पर्ची आया ना, देख लो, ले आप भी लिख लेना। मैं पर्ची बटन दबाने का ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉफ्टली दबाना, आप जो भी बोलो हम दबाएंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कोई जोर से दबा देगा ताकत से तो ये तो हमारा सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। आप बोलिए कौन सा बटन दबाना है, बोलो कौन सा बटन, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन। कांग्रेस बोल रहे हैं, वाटर, कांग्रेस का इसमें हमने सिंबल नहीं लगा, लेकिन समझ लो केला मतलब कांग्रेस, केला, केले का बटन दबाया हमने, केले का बटन दबाया। आप देख लो कौन सी पर्ची आई, कौन सी पर्ची आई, देख लो केले की आ गई। मैं भी कांग्रेसी हूं, आप भी कांग्रेसी हूं, फिर से इसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है। मतदाता जब वोट देने आता है तो पर्ची आती है, लाइट होती है, लाइट होने के बाद उसको दिखती है, वो देने के बाद चला जाता है। मैंने कांग्रेस को वोट दिया, फिर से केले का बटन, आपको लिखना जो भी हम बटन दबाते हैं। आप देख लो कौन सी पर्ची आती है, कौन सी आई, लैंप थोड़ा वो हो गया है, इससे लाइट नहीं होता है। केले की पर्ची आप लोगों ने देख ली, और फिर से आप बोलना है दूसरी पार्टी को वोट देना है, किसको देना है वो आप बताना, बोले किसको देना है, वाटरमेलन, ये वाटरमेलन का मैंने बटन दबाया, कौन सा पर्ची आया देख लो, वाटरमेलन का आया। केले का दबाया, केले आया, एप्पल दबाया, एप्पल आया, वाटरमेलन दबाया, वाटरमेलन आया। जो हमने ये वाट डाले कितने वाट हुए भैया टोटल, ये वाटरमेलन लिखा आपने, हाँ लिखा। अभी और एक वाट वाटरमेलन को दे देते हैं जी, ये वाटरमेलन को एक और वाट दे दिया, देख लीजिए कौन सा वाट आया, लाइट हुआ, देख लिया वाटरमेलन आया, कितना वाट हुआ, 6। अभी बोलो किसको कितना वोट आया, एप्पल को 1, बनाना को 3, वाटरमेलन को 2, बराबर, जोर से बोलना। अभी हम आपके नजर के सामने निकालते हैं, एप्पल को कितना दिया, 1 वोट, एप्पल को 1 दिया, कितना इसमें आया, कितना आया, 3, आपके नजर के सामने थे, आपने बोला वो ही वोट दिया। और केले को कितना दिया, 3 वोट दिया, कांग्रेस को 3 दिया, कितना आया, कितना आया देख लो, 2,
समझ में आया ना, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और वाटरमेलन को दो दिए, कितने आए वाटरमेलन को? एक वाटरमेलन का वॉट चुरा लिया, एप्पल को चला गया, दो केले को चुरा दिया वो भी एप्पल को चला गया। मतलब जो पार्टी को जिताना है वो पार्टी को आपको दिखाने के बाद भी हम जिता सकते हैं। हम चैलेंज करते चुनाव पंच को, यदि हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दे पूरे देश का, तो हम जो पार्टी को चाहे 500 से ज्यादा सीट दिलवा सकते हैं और लोगों को पता भी नहीं चले। ये आप सबको लाइव डेमो बता दिया, आप सबका फर्ज बनता है, ये पूरे देश में जाना चाहिए। और मैं आपको खुला रख के ये ट्रिक फिर से बता देता हूँ, ये मायाजाल क्या है। जब भी फैमिली होता है, सब दोस्त लोग होते हैं एक ही पार्टी के साथ में जाते हैं, वार्ड समझो रईस भाई जाते हैं और अपना जॉन भाई है, जो दोनों साथ में जाएंगे तो कांग्रेस को ही देने वाले हैं। तो हम समझो कि ये खुला रख के आपको बता देते हैं कि दो बंदे कांग्रेस को वार्ड देते हैं, केला समझो कांग्रेस, ये मैंने केले का बटन दबाया, केले का पर्ची आया, लाइट चालू हुआ, मैंने देख लिया, देखने के बाद मैं तो चला जाऊंगा भाई, चलो मैंने केले का वार्ड दबा दिया है, केले को मिल गया है, बाद में मेरा दोस्त आएगा, मेरा बच्चा भी आएगा, वो भी कांग्रेस को वोट देगा। देखा ना, फैमिली में तो ऐसा ही रहता है, पति पत्नी सब सीक्वेंस में जाते हैं चुनाव पंच में, एक गली से भी लोग। तो फिर से मैंने सोचा चलो मेरा बच्चा ने भी केले को वोट दिया, केला दबाया, आपके नजर के सामने देख लो क्या होता है वो देखो। ये देखने की चीज है, लाइट चालू होता है सिर्फ, पर्ची वही दिखती है, कटती नहीं है केले की, और अंधेरा हो जाता है। बाद में जिसको वोट जिताना है वो पार्टी को वोट अंधेरे में एप्पल छप जाएगा, ये जादू होता है पिछले कई सालों से, और आप भारत भर के नागरिकों को आज तक पता नहीं चला। मेरा नाम इंजीनियर डीसी कपिल है, और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ, ये टीम है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हसन मंसूर साहब का, जैक साहब का, रामा कनकोंकर जी का, एंटोनी जी का, रईस अंजुम साहब का, और इनकी तमाम टीम का, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर आने का मौका दिया और अपनी बात गोवा की सम्मानित जनता को बताने का मौका दिया। दोस्तों बड़ा खुशी का वक्त है, हिस्टोरिकल मोमेंट है ये, कि पूरे देश के अंदर चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे एनआरसी और सीए का आंदोलन रहा हो, चाहे आंगनवाड़ियों का आंदोलन रहा हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का आंदोलन रहा हो, सभी आंदोलनों में विशेष रूप से भूमिका निभाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हमारे बीच में आज गोवा की धरती पर उपस्थित हुए हैं, और इनका आपने स्वागत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज पूरे देश के अंदर जैसे जाती है एक सोशल मीडिया में किंग की तरह, सिर की तरह, तो यहां की जो सम्मानित जनता है गोवा की, वो भी इन तथ्यों को समझने का काम करेगी जो इन्होंने रखी है। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कैसे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को प्रभावित कर रही है, उसके बारे में कैसे बिना सर्टिफिकेशन के ईवीएम इस्तेमाल की जा रही है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। देखिए आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़ा लिखा प्रदेश है ये, जब एक सैटेलाइट चंद्रयान पर जाता है जो लाखों किलोमीटर दूर है, और उसको हम नीचे बैठकर के अपनी लैब से कंट्रोल कर सकते हैं, जब घर में लगा हुआ टीवी हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, जब आज मेट्रो बिना ड्राइवर के रिमोट से चल रही है, हवाई जहाज उसी कंट्रोल से चल रहा है, तमाम तरीके की चीजें इस देश में परिवर्तित हो सकती हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं आज कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पहले चीफ कमिश्नर रह चुके हैं मिस्टर रावत और कुरैशी साहब, इस केंद्र की सरकार ने उन दोनों पूर्व कमिश्नरों को अब आगे किया है सफाई देने के लिए। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस ईवीएम के अंदर 2% की एरर हो सकती है। देखिए दोनों चीजें कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2% एरर
कभी भी हो सकती है। तो हम अपने आप को पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं। इंडिया इज ए बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर एक वोट से जीत करके जाने वाला कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाता है और एक वोट से हारने वाला नहीं जा पाता। अगर पार्लियामेंट के चुनाव की बात करते हैं तो एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 लाख वोट होती है लगभग, यहां पर कम है मुझे पता लगा है, लेकिन अमूना देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख वोट है, 10 लाख ज्यादा भी है उसमें। अगर हम 2% एलएन की बात करते हैं तो 20,000 वोट होगी, 10 लाख का 2% 20,000 होगा। तो अगर चुनाव आयुक्त जो पहले रह चुके हैं, जो सफाई दे रहे हैं, अगर 20,000 वोटों का वेरिएशन एरर हो सकता है मशीन के अंदर, तो यहां तो एक वोट से जीता हुआ आदमी पार्लियामेंट के अंदर जाता है, तो ये कितना बड़ी धांधलेबाजी यहां पर है। अगर एक वोट भी इधर से उधर होती है, उसी में सरकार का गिरना और सरकार का बनना बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है। 2019 के चुनाव में जब 30 मई को इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो 373 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां जितने वोट पड़े, अब जब काउंटिंग हुई, पढ़ने वाले वोटों की संख्या और काउंटिंग वाले वोटों की संख्या में डिफरेंस था, और बहुत लंबा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग डिफरेंस था। इस बार भी राजस्थान के अंदर जिस दिन चुनाव हुआ, जितने वोट डले और जिस दिन रिजल्ट आया, जितने वोट निकले, उन दोनों वो पढ़ने वाले वोटों का अब डिक्लेयर होने वाले वोटों का जो अंतर है वो 50 लाख से ज्यादा है। अब आप बताएं कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक वोट से जीता हुआ आदमी पार्लियामेंट जाता है या विधानसभा जाता है और एक वोट से लूज करने वाला रुक जाता है, वहां पर एक ही प्रदेश के इलेक्शन में अगर 50,000 वोटों का डिफरेंस आएगा तो कहां पर ये, सॉरी 50 लाख वोटों का डिफरेंस आएगा, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन पारदर्शी इलेक्शन है। अब 2-3 उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत छोटे छोटे उदाहरण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव से पहले, चुनाव वाले दिन यह डिक्लेयर करता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मुझे 95,000 वोट मिलेगा और मेरा जो निकटतम प्रतिद्वंदी है यानी कि सेकेंड विनर कांग्रेस का प्रत्याशी, उसको 70,000 वोट मिलेगा। और जिस दिन इलेक्शन होने के बाद, एक महीने के बाद जब काउंटिंग होती है और रिजल्ट आता है, तो जीतने वाले को भी इतना ही वोट पड़ता है जो अनाउंस किया गया और हारने वाले को भी, यानी कि 25,000 वोटों का मार्जन। ये होम रिकॉर्ड है, पेपर में आया हुआ है, कोई ऐसे नहीं कहा जा रहा। तो सोचने वाला विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव से पहले कैसे पता होता है कि कितनी वोटों का डिफरेंस जो है हार और जीत में होने वाला है। ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रहा है, मोदी जी किस लिए जीत के आते हैं उसका बहुत सिंपल सा, आज की तारीख में जो ईवीएम बना रहे हैं, ईवीएम मशीन और वीवीपैट, वो ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में हैं, टोटल 7 में से 4 डायरेक्टर, एक मिस्टर PM पार्थासारथी, एक मिस्टर शिवनाथ यादव, एक मिस्टर मनसुख भाई श्यामजी और एक श्रीमती श्यामा सिंह। ये चारों बीजेपी के पदाधिकारी हैं और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और ये जो काम कर रहे हैं वो जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करने और चिप के साथ में उसको जोड़ने की सारी कार्रवाई ये करते हैं।
तो मशीन कौन बना रहा है? बीजेपी। उसमें जो सोर्स कोड है, मेन सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड, वो कौन डेवलप कर रहा है? बीजेपी। और इलेक्शन कौन करा रहा है? मोदी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन मोदी जी बन गया है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन नियुक्त करना है मोदी जी करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसको हटा के कानून बना के उन्होंने अपने को अपने साथ साथ अपने कैबिनेट मंत्री को रख दिया। सो बीजेपी यानी मोदी जी ही मशीन बनाने वाले, मोदी जी ही चुनाव कराने वाले, तो जीत के मोदी जी ही आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी जी और BEL भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और ये सब कुछ सबूत है। मैंने आपको RTI के माध्यम से बताया हमने क्या पूछा, उन्होंने कोई जवाब उसका नहीं दिया। ये मशीनें कहीं से सर्टिफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, कुछ नहीं है, और डेवलप कौन कर रहा है? बीजेपी। और साथ में जो एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर EAS शर्मा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि BEL जो EVM और VVPAT बनाती है उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्ट बीजेपी के हैं। सो इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी केवल और केवल इतनी है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, और जो भी व्यक्ति इस देश में 18 साल या उससे ऊपर का है उस सबकी वोट वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में कितना बड़ा घोटाला है इसका खुलासा हम 5 तारीख को दिल्ली में बाकायदा प्रेस के सामने करेंगे, कितना बड़ा घालमेल इन सब लोगों ने कर रखा है, ये सारी चीजें हैं। तो सब कुछ इसीलिए कह देते हैं मोदी जी, क्योंकि वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, और कुछ नहीं है, सारी मैनिपुलेशन है। इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी ना करके मोदी जी की गुलामी कर रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, इस देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको छोड़कर वो एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है, जो देश के साथ में देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम नहीं है, ये देशद्रोह इलेक्शन कमीशन कर रहा है। देखिए हमारा आंदोलन पूरे देश में चालू है, और इसके लिए जो सबसे बड़ी एक चीज है, इस आंदोलन में लगातार, जैसे आज हम गोवा में हैं और आज और कल हम यहाँ गोवा में रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स में हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथी जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली में भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा 31 तारीख को दिल्ली में EVM के खिलाफ बहुत बड़ी मीटिंग हुई, इससे बड़ी मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, जो जंतर मंतर पर हुई इलेक्शन कमीशन को घेरने के लिए। और इसके साथ साथ जो हम लोग हैं EVM के अगेंस्ट में, हम लोगों ने एक मिस कॉल नंबर दिया, जो केवल यही एक मिस कॉल नंबर है, कोई और नहीं है, दूसरा कोई समझे, केवल और केवल यही एक मिस कॉल नंबर है जो मैं बता रहा हूं, 9667722062। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9667722062। सभी लोग इस नंबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस पर मिस कॉल करें, और मिस कॉल जैसे ही आप करते हैं, मिस कॉल आप करेंगे, फोन कट जाएगा जाते ही, इसका मतलब आपकी मिस कॉल नंबर रजिस्टर हो गई। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन कि हर दिन 1,00,000 से ज्यादा मिस कॉल इस नंबर पर आ रही है, करवाइए मिस कॉल। आपको बता रहा हूं बड़ा दिलचस्प कि एक पर्टिकुलर बूथ के ऊपर मात्र 90 वोट है, 90 वोट, वोटिंग हुई 70%, तो काउंटिंग के समय जिस बूथ पर टोटल वोटरों की संख्या ही 90 है, तो काउंटिंग के समय 63 वोट निकलनी चाहिए, 63 वोट, 70% पास हुआ। और जब एक काउंटिंग हुआ तो वहां पर 63 वोट ना निकल के 171 वोट निकला, जबकि टोटल वोटर ही 90 है। और जब वहां पर हंगामा हुआ, सेकंड विनर और लूजर कैंडिडेट ने जब वहां पर हंगामा किया कि जब टोटल वोट ही 90 है तो 171 कैसे निकला, तो चुनाव आयोग ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जनता को आश्वस्त करने के लिए अपने 5 कंसर्न्ड अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। एक तरफ तुम लोगों को सस्पेंड कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारी काउंटिंग गड़बड़ा रही है, और फिर कह रहे हो कि इलेक्शन सही हो रहा है। तो ये जो ऐसे ही ये गांव है,
संबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर गांव है, उस गांव के टोटल वोटर 1300 ऑन रिकॉर्ड 1300 वोटर है, वहां पर भी 70% वोटिंग हुआ, तो वोट निकलना चाहिए था 900। अब जब काउंटिंग हुई तो वोटिंग निकल करके आई 1400। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये बताता है कि यहां पर हैकिंग संभव है, यहां पर सारा सिस्टम हैक किया जा रहा है, और यहां पर जो काउंटिंग होती है, जो वोट पड़ती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक दिलचस्प चीज जो लास्ट वाली, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि डेमो भी आपको देखना है। देखिए, एक कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, दो कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ में, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है दोनों, उन्होंने चुनाव लड़ा। जो आदमी चुनाव लड़ता है वो अपने पारिवारिक सारे संसाधन लुटा करके चुनाव लड़ता है। हार या जीत किसकी होगी वो बात की बात है। जिस बूथ पर उस प्रत्याशी का वोट था, दो प्रत्याशी हैं ऐसे वहां पर एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश का, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ का। जिस बूथ पर उसका वोट था, जिस बूथ पर उसके परिवार का वोट था, जिस बूथ पर उसके रिश्तेदारों का वोट था, जब काउंटिंग हुई तो उसको जीरो वोट मिला। सवाल यह है कि उसकी मदर, उसके फादर, उसके भाई, उसके भाभी, उसकी घरवाली, उसके बच्चे, एक बार वो मान लेते हैं सब उससे नाराज है, किसी ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन जिस आदमी ने खुद चुनाव लड़ा है उसने खुद तो अपने आपको वोट दिया होगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता आदमी खुद भी वोट ना दे, उसके खुद का वोट कहां चला गया? क्योंकि वहां पर वोट जो है उस पर्टिकुलर बूथ में जहां उसका वोट था वहां पर जीरो वोट था। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो निकल निकल करके चीजें आ रही हैं, ये बहुत ही पेचीदा है। और हमने एक मिस कॉल नंबर देश की सामान्य जनता के सामने दिया था, 9667722062। आप ताजुब करेंगे, एक बार फिर नंबर बता रहा हूं, 9667722062। ये मिस कॉल नंबर हमने दिया और पूरे देश से प्रतिदिन 1,00,000 से ज्यादा मिस कॉल हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हमारे पोर्टल में आ रही है। इसका मतलब पूरा देश देख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलकर के चुनाव आयोग के कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं और किस तरीके से हैकिंग करके इस देश के अंदर डकैती करके जो है यहां पर वोटों को लूटा जा रहा है। तो गोवा की सामान्य जनता से हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मिस कॉल नंबर पर अधिक से अधिक हमें वहां पर दें और इसको जो है आगे बढ़ाएं इस पूरे कारवा को। अब हमारे बीच में मिस्टर अतुल पटेल जी हैं जो डेमो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सारा फेरबदल होता है, किस तरीके से यहां पर चोरी और डकैती वोटिंग के मामले में होती है।